और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र आज बांटेंगे चयनित अभ्यर्थियों को। आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 1335 अभ्यर्थियों को सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। यूपी एसएससी के सीएम योगी करेंगे नियुक्ति पत्र वितरण। लखनऊ के लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतेश मिश्रा फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। नीतेश, बात की जाए तो आज लखनऊ में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी कपिल, हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मिशन रोजगार को रफ्तार देने की कयावत में जुटे हुए हैं। और इसके साथ ही सीएम योगी का हाल ही में एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 2 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान भी किया जाएगा। और इन्हीं सबके क्रम में कहीं ना कहीं लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अपनी कयावत जारी रखे। अगर उत्तर प्रदेश में युवाओं को मिशन रोजगार से बात की जाए, तो इसमें सरकार जो इन लोगों को जोड़ रही है, इसमें नौजवानों के नियुक्ति पत्र प्रदान करने की बात की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा चयनित 1334 अवर अभियंता, संगणक एवं फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन में आज सुबह 10 बजे से कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कई मंत्री और अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। हम आपको यहाँ पर बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योगी सरकार के समय प्रदेश में मिशन रोजगार को लगातार रफ्तार दे रही है। और कपिल बता दें कि इसके तहत जाए तो सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो वही जनपदों में रोजगार मेला के माध्यम से भी सरकारी युवाओं को निजी कंपनियों, सरकारी युवाओं को कहीं ना कहीं निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने का भी काम कर रही है। और हम आपको यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान और भी बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री मैनपुरी पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने नौजवानों को नियुक्ति पत्र वितरित किया था। सीएम योगी ने वहीं से यह ऐलान भी किया था कि आने वाले 2 साल में लगभग 2 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान था। और निश्चित ही जो जिस प्रकार से चाहे वो रोजगार मेला का कार्यक्रम हो या पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई, शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हुई परीक्षाओं के बाद जो अभ्यर्थी सफल हुए उनको नियुक्ति पत्र दिए जाने, क्योंकि लगातार सीएम योगी भ्रष्टाचार पर और परीक्षाओं पर बात करते रहते हैं कि पहले के समय में परीक्षाओं में भ्रष्टाचार होता था, कहीं ना कहीं कुछ मनमाने लोगों की नियुक्तियां की जाती थी। ऐसे में जो ट्रांसपेरेंसी थी उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर लगातार हमला बोला है। और इसी के क्रम में अब ये जो रोजगार मिला है, चाहे नियुक्ति का मामला है, ये लगातार सीएम योगी ने अपने हाथ में कमान में ले लिया है। और इसके साथ ही बता दें कि जो आंकड़े जारी हुए हैं कि बीते 7.5 साल में 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां, 3 लाख से ज्यादा अधिक संविदा पर नौकरियां, निजी क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार प्रदान करने में कहीं ना कहीं योगी सरकार ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। जी कपिल, चलिए नीतेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर उत्तर प्रदेश से थी, जहां पर यूपी SSC के नियुक्ति पत्र जो है सीएम योगी आज बांटेंगे।